और अब खबर सिरोही के आबू रोड से आ रही है, जहां पर मानपुर बनास नदी में दो छात्रों के डूबने के मामले में एसडीआरएफ और माउंट आबू आपदा दल की टीम को सफलता मिली है। नदी से छात्र के शव को बाहर निकाला गया, चिकित्सकों ने छात्र को मृत घोषित किया है। जयपुर सांगानेर निवासी दुलाराम सिंह की मौत हुई इस घटना में। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवा दिया है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर मौजूद। सिरोही में मानपुर बनास नदी पर ये छात्र नहा रहे थे और उसी वक्त डूब गए। दो छात्रों की मौत की खबर आ रही है, छात्र के शव को बाहर निकाला गया है। तो लगातार एसडीआरएफ की टीम ऑपरेशन चलाए हुए थी और जयपुर सांगानेर निवासी दुलाराम सिंह मृतक का नाम बताया जा रहा है। जयपुर से ये छात्रों की टोली माउंट आबू घूमने के लिए गई थी और आबू रोड स्थित बनास नदी में ये छात्र जब कुछ देर रुके और वहां पर बनास नदी में नहाने के लिए रुके तो उस दौरान हादसे का शिकार हुए और दो छात्र इस हादसे का शिकार होते हुए जिनकी मौत हुई है, ये दोनों ही छात्र जयपुर के बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम ने छात्र के शव को बाहर निकाला। तो नदी में लगातार गोताखोरों की मदद से छात्र के शव को ढूंढा जा रहा था। हमारे सहयोगी मगन प्रजापत जुड़ गए हैं इस खबर पर। मगन, लगातार जो दूसरे छात्र जिसका कुछ पता नहीं चल रहा था, क्या उसका शव बरामद हुआ है? जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दूं कि मानपुर के जो रजवाड़ा पुल के पास में जो बनास नदी है वहां पर जो छात्र नदी में डूब गए थे, उसके बाद में एक शव जो प्रीतम का शव था उसको कल ही दोपहर को बाहर निकल दिया गया था। उसके बाद में यहां पर जो दूसरा जो छात्र था उसकी तलाश करीबन कल भी जारी रही और आज भी सुबह से एसडीआरएफ की टीम, गोताखोरों की टीम, यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस की जो अधिकारी है उनकी मौजूदगी में आज भी सुबह से ही जो दूसरा जो छात्र था उसको तलाश की गई। लेकिन करीब 27 घंटे चले इस सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में, आखिरकार आज करीब 12:30 बजे यहाँ पर एसडीआरएफ की गोताखोरों की टीम को सफलता हाथ लगी है नंदी। और यहाँ पर जो मृतक था वो जो मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला गया और पुलिस ने यहाँ पर आवश्यक कार्रवाई के बाद में जो मृतक का जो पुलिस ने शिकायत की है वो जयपुर के सागानेर जो दुलाराम सिंह पिता भवानी सिंह के रूप में छात्र की शिकायत की है। साथ ही पुलिस ने यहाँ पर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया। कुछ देर में परिजनों की मौजूदगी में यहाँ पर पोस्टमार्टम निर्णय किया जाएगा। फिलहाल मुख्य अधिकारी पालेन्द्र स्वामी, तहसीलदार सुकुमार चारम और बलवंत सिंह जो थाना अधिकारी है वो साथ में पुलिस का सारी जाता भी यहाँ पर पहुंचने के बाद में तैनात है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद को परिजनों को सपोर्ट किया जाएगा। जी नंदी, चलिए शुक्रिया मगन तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल जिन छात्रों का कुछ पता नहीं चल पा रहा था उनके शव बरामद हुए हैं। ये दुखद खबर सिरोही से आती हुई, बनास नदी में दो छात्र डूबे। ये छात्रों की टोली जयपुर से गई थी माउंट आबू घूमने के लिए।